नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। विराट कोहली जब जब मैदान पर उतरते हैं उनके हाथों कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर टूटता है। कुछ ऐसा ही वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में भी देखने को मिला। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक लगाते हुए और अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक लगा दिया। इस शतक के साथ ही वो महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यूं तो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ केमिस्ट्री से हर कोई वाकिफ है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में पति पत्नी अलग ही मूड में नजर आए। मैच से ठीक पहले विराट कोहली ने अपनी लकी चार्म अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस किया। इसके बाद पति के 50वें शतक के बाद भी अनुष्का शर्मा ने फ्लाइंग किस देकर विराट पर प्यार लुटाया, जिसका वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विराट कोहली खुलेआम प्यार दिखाने के लिए भी जाने जाते हैं। विराट का मैच देखने अक्सर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा स्टेडियम में आती रहती है। आईपीएल हो या फिर टीम इंडिया के लिए मुकाबले के दौरान विराट ने मैदान से ही वाइफ अनुष्का शर्मा पर खूब प्यार भी लुटाया है। ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी देखने को मिला, जब मैच से पहले विराट ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस देकर प्यार का इजहार किया, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विराट ने 106 गेंद में अपने शतक पूरे किए। आपको बता दें कि विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अब पीछे छोड़ दिया है। 50वां शतक पूरा करने में विराट को मात्र 10 दिन लगे, जबकि सचिन को 48 से 49 के आंकड़े तक पहुंचने में 365 दिन लग गए थे। रन मशीन कहला जाने वाले विराट चंद दिन पहले तक शतकों के सूखे से गुजर रहे थे। 1021 दिन तक उनके बल्ले से कोई इंटरनेशनल शतक नहीं आया था, तो रन तो बनाते थे, शतक के नजदीक भी जाते थे, लेकिन डबल डिजिट को 13 अंक में तब्दील नहीं कर पाते थे। अब एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, वर्ल्ड कप का 3रा शतक बना चुके हैं। विराट कोहली किसी भी एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए हैं। उन्होंने अपने आइडियल सचिन तेंदुलकर के 673 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 2003 के विश्व कप में 11 मैचों में 673 रन बनाए थे। विराट कोहली ने ठीक 20 साल बाद इस रिकॉर्ड को 10 मैचों में ही तोड़ दिया। सचिन के अलावा एक वर्ल्ड कप में 600 से अधिक रन बनाने वालों में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर के अलावा बांग्लादेश के शाकिब अल हसन थे। विराट कोहली ने इन सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। मैथ्यू हेडन ने 2007 के वर्ल्ड कप में 11 मैच की 10 पारियों में 659 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा ने 2019 के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 5 शतकों के साथ 9 मैचों में 648 रन बनाए थे। इस पारी को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने स्टैंड से देखा। सचिन ने इस पारी पर ट्वीट भी किया, पर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं अभी सिर्फ इसे फील कर रहा हूँ। उस महान क्रिकेटर यानी कि सचिन ने अभी मुझे बधाई दी, ये किसी सपने जैसा है। ये हमारे लिए बड़ा मैच था और मैंने अपना रोल निभाया। मेरे आसपास बाकी प्लेयर्स ने अपना काम किया। मेरे लिए सबसे जरूरी काम है कि टीम को मैच जिताना। मुझे इस टूर्नामेंट में ये रोल दिया गया है और मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के पीछे यही राज है। टीम के लिए खेलो और सिचुएशन के हिसाब से खेलो। सचिन पाजी स्टैंड्स में थे। मेरे लिए इस भावना को जाहिर करना बहुत मुश्किल है। मेरी वाइफ अनुष्का शर्मा, मेरे हीरो सचिन यहाँ मौजूद हैं। वानखेड़े में सारे फैंस भी मौजूद हैं। 400 के करीब पहुंचना अच्छा है। श्रेयस अय्यर को ढेर सारा क्रेडिट। केएल राहुल ने भी अच्छा फिनिश किया। विराट के शतक के बाद सचिन ने ट्वीट किया कि पहली बार जब मैं आपसे ड्रेसिंग रूम में मिला तब बाकी प्लेयर्स ने आपसे प्रैंक कर मेरे पैर छूने को कहा था। मैं उस दिन खूब हंसा था, पर बहुत जल्द आपने मेरा दिल छू लिया है अपने स्किल और जुनून से। मैं बहुत खुश हूँ कि एक जवान लड़का एक विराट प्लेयर बन गया है। मुझे बहुत खुशी है कि एक भारतीय ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर करना, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में करना, मेरे होम ग्राउंड पर करना, ये इस पारी को और खास बनाता है। आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता और शानदार बैटिंग की। रोहित शर्मा ने 29 बॉल में 47 रन बनाकर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। फिर आई विराट और शुभमन गिल की बारी। गिल ने 40 और विराट कोहली ने शतक जड़ा। गिल बीच मैच रिटायर्ड हर्ट भी हुए। इस बीच श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने 105 रन बना दिए। केएल राहुल ने भी 39 रन बनाए। भारत ने बोर्ड पर 397 रन बना दिया। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।